तो दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की जेल काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर एक और मामले में फैसला आने वाला है। गुरमीत के खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट 11 जनवरी को फैसला सुना सकता है। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले पर सुनवाई पूरी हो गई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के काले कारनामों का खुलासा करने वाले अखबार के संपादक रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत अब नतीजे पर पहुंचने के बहुत करीब है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत 11 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में बुधवार को पंचकुला के विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के बीच बहस पूरी हो चुकी है। अब 11 जनवरी को इस मामले में फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत अब नतीजे पर पहुंचेगी। 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर हमला कर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति जिंदगी की लड़ाई हार गए। उनके बेटे अंशु छत्रपति ने हार नहीं मानी और सीबीआई जांच की मांग के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। नवंबर 2003 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और दिसंबर में इस केस की जांच शुरू की। हालांकि 2004 में डेरा सच्चा सौदा ने यह जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदे की याचिका खारिज कर दी। करीब 15 साल इस केस की सुनवाई सीबीआई अदालत में चली और अब इस केस में फैसले का इंतजार है। 16 साल पुराने मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित 4 आरोपी हैं। दरअसल साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर लिखा गया था, उन्हीं लेटर के आधार पर रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में खबरों को प्रकाशित किया था। इस पर पहले तो छत्रपति पर दबाव बनाया गया, इसके बाद उन पर गोलियों से हमला किया गया। गुरमीत राम रहीम, कृष्णलाल, निर्मल और कुलदीप पर साजिश रचकर हत्या करने का आरोप है। आरोपी की बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी। उसके साथ निर्मल भी था। अब गुरमीत दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। ऐसे में 11 जनवरी को यदि गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कोई फैसला आता है तो सलाखों के पीछे बंद गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।